तीनों दल महाविकास आघाड़ी के रूप में एक साथ आए। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए हमारे पास एक ही उम्मीदवार रहेगा। सरकार के जाने के बाद हमने साथ बैठकर चर्चा नहीं की है। हम साथ बैठकर अगली नीति तय करेंगे। स्थानीय निकाय चुनाव में जहां भी संभव होगा हम तीनों दलों को एक साथ लाने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसी प्रतिक्रिया प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल ने दी है। संजय राउत को ईडी से नोटिस मिला है और वो पूछताछ का सामना कर रहे हैं। वो निर्दोष है और हमें इससे कोई संदेह नहीं है। आज की जांच के अंत में ये देखा जाना बाकी है कि दिल्ली में ईडी के अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमारे नेताओं से दिन में पूछताछ की जाती थी और देर रात के बाद उनकी गिरफ्तारी की खबर आती है। इसलिए हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ईडी संजय राउत के खिलाफ सचेत रुख नहीं अपनाएगा, ऐसा वक्तव्य जयंत पाटिल ने कहा है। एकंदर प्रसार माध्यमात दिसत होतं, त्या दोघांनाही आश्चर्य वाटलं आणि फारशी काही खुशी नव्हती, त्यामुळं हे आनंदाने झालेलं आहे असं दिसत नाही। आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या ती बरीचशी नाराजी असावी असं एकंदर प्रसार माध्यमात जे दिसलं त्यावरून आम्हाला वाटतं। पर्यावरणाचं रक्षण करावं आणि विशेषतः मुंबईच्या जवळचं हे सर्वात मोठं जंगल आहे, फॉरेस्ट आहे, आणि तिथल्या झाडांची तोड होऊ नये आणि मुंबईतल्या पर्यावरणाचं रक्षण करावं हा उद्धव ठाकरे यांचा सुरुवातीपासूनचा आग्रह राहिलेला आहे आणि म्हणून त्यांनी तो निर्णय घेतलेला होता। नवं सरकार आलं, नवं सरकार आल्यावर त्यांनी नवीन निर्णय घेतला। हां, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं संख्याबळ आज जास्त आहे, शिवसेनेचं जास्त होतं, पण शिवसेनेत फूट पडलेली दिसते, त्यामुळं शिवसेना 55, आमचा पक्ष आज 53 आणि नंतर काँग्रेस अशी साधारण आकडेवारी आहे। संख्याबळ आजच्या मितीला विरोधी बाकावर बसणारं सगळ्यात जास्त राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे, त्यामुळं एकंदर महाविकास आघाडीतील इतर गटनेत्यांशी आम्ही चर्चा करणार आहोत। त्यानंतर राष्ट्रवादीचा जर निर्णय झाला तर मग राष्ट्रवादीचे आदरणीय पवारसाहेब त्याबाबतीत योग्य ते निर्णय घेतील।